हाय बडीज, हाउ आर यू? फाइन, ओके. सो इन पार्ट फर्स्ट इन यूक्लिड ज्योमेट्री वी अंडरस्टूड हाउ द ओरिजिन ऑफ ज्योमेट्री टेकन प्लेस एंड देन डिफरेंट एस्पेक्ट्स रिलेटेड टू ज्योमेट्री, स्पेशली यूक्लिड अप्रोच एंड द कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ द डिफरेंट मैथमेटिशियंस इन द फील्ड ऑफ ज्योमेट्री, ओके. And different concept of Euclid, which is he has mentioned in his book, which he called the Elements. Okay, so in that series, now we are going ahead. हम लोग आगे जा रहे हैं और यहाँ पर हम लोगों ने Euclid के basic 5 postulates हैं and certain axioms हैं उसको हम लोग understand करने की कोशिश करेंगे. Okay. So first I will explain you the 5 postulate of the Euclid. So first postulate of Euclid is that he is saying the straight line may be drawn from any one point to any other point. Just see here, अगर ये दो point हैं, तो इन दो point के बीच में आप straight line draw कर सकते हो. जरूरी नहीं है ऐसा हो, ऐसे भी हो सकती है. तो ये भी straight line ही होगी. Is it clear? ये line ऐसे नहीं जाएगी. It will not move like this way. Is it clear? नहीं तो ये कैसे हो जाएगी? यहाँ से यहाँ तक एक स्ट्रेट लाइन, यहाँ से यहाँ तक दूसरी स्ट्रेट लाइन, यहाँ से यहाँ तक ये तीसरी स्ट्रेट लाइन. तो 1, 2, 3, 9. अगर यहाँ पे और यहाँ पे पॉइंट है तो स्ट्रेट लाइन इज लाइक दिस वे. इज इट क्लियर? सो ये उसका पहला पोस्टुलेट है. एंड इन सेकेंड पोस्टुलेट इज से द टर्मिनेटेड लाइन कैन बी प्रोड्यूस इन्फिनिटी. अगर कोई लाइन अगर आपने किसी प्लेन में ड्रॉ की है तो यू कैन एक्सटेंड इट इनफिनिटी. आप दोनों साइड में इसको आगे 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 ले जा सकते हो. थर्ड इज सेइंग दैट अ सर्कल कैन बी ड्रॉन विद एनी सेंटर एंड एनी रेडियस. अगर कोई एक सर्कल का कोई पर्टिकुलर सेंटर है तो उससे आप अलग उस एक ही सेंटर से अलग अलग रेडियस के सर्कल ड्रॉ कर सकते हो. 1, 2, 3 and 4. Okay, and last में वो बोल रहा है all right angles are equal to one another. आप ऐसा चिंटू सा एंगल ड्रॉ करो राइट एंगल, या फिर आप ऐसा बड़ा सा ड्रॉ करो, या फिर और बड़ा ड्रॉ करो, या फिर आप और बड़ा ड्रॉ करो, इन सब के मेजर सेम ही होंगे. मेजर अलग अलग होंगे नहीं. ये भी 90 होगा, ये भी 90 होगा, ये भी 90 होगा, ये भी 90 होगा. Okay. Now see the fifth one. This is the most important. ये अकेला ही सब पे भारी है, इसलिए बराबर अंडरस्टैंड करने की कोशिश करो. ओके, सी इट. देखो, नाउ सी द फिफ्थ पोस्टुलेट. अभी क्या बोल रहा है ध्यान से सुनना. ये बोल रहा है इफ अ स्ट्रेट लाइन फॉलिंग ऑन टू स्ट्रेट लाइन्स. देखो यार, If a straight line falling on a two straight line, कोई दो straight line जा रही है, उसने parallel नहीं बोला, ध्यान रखना, सीधी बोला. अब सीधी कैसे भी हो सकती है, बराबर. एक सीधी लाइन अगर किसी दो सीधी लाइन के ऊपर इस तरह से अगर सेट होती है, बराबर, मेक द इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड इस टेकन टूगेदर लेस देन टू राइट एंगल्स. तो इसके एक साइड के जो इंटीरियर एंगल बन रहे हैं, इन एंगल का मेजर दो राइट एंगल के मेजर से कम होगा. सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दो राइट एंगल के मेजर से कम होगा? मींस इट्स मेजर इज लेस देन 180. दिस स्टेटमेंट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट. लेस देन टू राइट एंगल, ये दो राइट एंगल से यानी कि 180 डिग्री से कम होगा. एक राइट एंगल का मेजर 90 होता है. सो 90 प्लस 90 180. इज इट क्लियर? ओके, देन द टू स्ट्रेट लाइन प्रोड्यूस इंफिनिटी. ओके, अगर आप इनको इंफिनिटी में लेके जाओ आगे, अगर आप एक्सटेंड कर दो, इफ यू विल एक्सटेंड अगर आप आगे इसको एक्सटेंड कर दो तो ये क्या बोल रहा है? टू स्ट्रेट लाइन प्रोड्यूस इंफिनिटी मीट दैट साइड ऑन विच द सम ऑफ एंगल इज लेस देन
राइट एंगल। तो यहाँ पर ये जो अंदर बनेंगे बराबर ये ट्राइंगल बनेगा, तो इन दोनों का मेजर जो है वो जो है 180 डिग्री यानी टू राइट एंगल के मेजर से कम होगा। दैट इज द वन थिंग। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप ट्राइंगल ड्रॉ कर रहे हो तो तीनों एंगल का मेजर मिलकर 180 के बराबर होगा, ऐसा वो कहना चाह रहा है। इफ इट इज प्रोड्यूसिंग द एंगल एंड अगेन इन अ प्लेन, याद रखना भी मैं आगे आपको बताऊंगा, ठीक है। सो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पोस्टुलेट। कभी कभी आपको एग्जाम में सीधा सीधा दो मार्क का ही पूछ लेता है, स्टेट द पोस्टुलेट, फिफ्थ पोस्टुलेट ऑफ द यूक्लिड, यूक्लिड का पांचवा पोस्टुलेट एक्सप्लेन करो, तो विद फिगर एंड विद स्टेटमेंट यू टू राइट लाइक दिस। देख लो जरा एक बार इसको, फिर कुछ एग्जाम्स हैं, वी विल टॉक अबाउट दैट। अच्छा, ये जो एक एग्जाम्स है यूक्लिड का, ही सेइंग दैट गिवन टू डिस्टिंक्ट पॉइंट, इफ टू पॉइंट आर डिस्टिंक्ट यूनिक, गिवन टू डिस्टिंक्ट पॉइंट देयर इज अ यूनिक लाइन पासिंग, यूनिक लाइन पासिंग थ्रू इट, यूनिक लाइन मतलब एक ही लाइन पास होगी, यानी कि अगर अकेला एक पॉइंट होगा तो इनफाइनाइट लाइन विल बी पास, बट इफ टू लाइंस आर देयर इन, टू पॉइंट्स आर देयर इन अ प्लेन, देन ओनली वन एंड वन लाइन विल पास थ्रू इट। दैट इज द वन मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्स ऑफ यूक्लिड, ओके। एंड विद दैट इन योर 5.1 सो मेनी क्वेश्चंस आर गिवन देयर, and that all answers I explained you the earlier video, इससे पहले के वीडियो में पार्ट वन में मैंने एक्सप्लेन किए हैं, लेकिन फिर भी हम लोग जो है कुछ चीज़ों को अंडरस्टैंड करेंगे, ओके। यहाँ पर जो है 5.1 में बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, ओके। पहला वाला ही बोला है उसने, ओनली वन लाइन कैन पास थ्रू अ सिंगल पॉइंट, एक पॉइंट से एक ही लाइन पास हो सकती है, तो दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स, क्योंकि यूक्लिड का एग्जाम्स ये बोलता है कि अगर टू यूनिक पॉइंट्स हैं तो ओनली वन एंड वन लाइन, और अगर वन पॉइंट है तो इनफाइनाइट लाइन, इज इट क्लियर। नेक्स्ट, देयर आर एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइंस विच पासेस थ्रू द टू डिस्टिंक्ट पॉइंट, अब बोला टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स हैं इनफाइनाइट लाइन पास होगी, रॉन्ग है, स्टेटमेंट इज रॉन्ग, because if two distinct point are there then only one and one point will pass through it, okay। third one, if two circles are equal then their radius are also equal, of course by nature agar two circle equal hai matlab unke major mein unke radius bhi same honge, okay। next is saying AB equal to PQ and PQ equal to XY, then automatically AB equal to XY, yes, ये बहुत most important concept है, first line is equal to second line and second is equal to third one, then automatically first is equal to third one, so this statement is also correct, certain definitions are there, you see in your text and give the answers, इसके answers हम लोगों ने लिख लिया है, ढूंढना, okay, parallel line, perpendicular line, मैं बता देता हूँ, parallel line, which do not intersect each other, okay, if one line is fall on another and making with 90 degree angle, that is the perpendicular line. Next, line segment, if any line has drawn and certain measurement is given of that part, that is the line segment in Hindi, but Gujarati is called the Rekha Khand, radius of the circle, so by which length we make the radius, that is called the radius of the, sorry, when we make the circle, it's called the radius of the circle and square. A quadrilateral or a polygon whose all sides are equal, equal and all angles has the same measure, means the 90 degree is square, okay. And so many different postulates are given there which I already explained you, okay. Lekin in sab mein se jo sabse important hai uske bare mein main aap logo se discussion yahan par karna chahunga, and this is most important, let's see the question number 4. क्वेश्चन नंबर 4 हम लोग यहाँ पे देखते हैं और इसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं।
ओके, ये एकदम इम्पोर्टेंट है बच्चों। ये इसमें बहुत ज्यादा टाइम लगता है, इट इज अ टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस, यू नो। ठीक है, देखिए जरा फोर्थ नंबर का सर ये बोलता है, इफ अ पॉइंट सी लाइज बिटवीन द टू पॉइंट ए एंड बी एंड ए सी इक्वल टू बी सी, देन प्रूव दैट द ए सी इज हाफ ऑफ ए बी। ओके, ये एक लाइन है, बराबर ये है ए और ये है बी, और इसके एग्जैक्ट बीच में यहां पर एक पॉइंट है सी। ओके, एंड इन दैट कंडीशन यू हैव टू प्रूव दैट ए सी जो है इट इज हाफ ऑफ ए बी, ए सी जो है वो ए बी का हाफ होगा। इज इट क्लियर? सो सबसे पहले जब ऐसा आता है तो आपको यहाँ पे स्टेप टू स्टेप जाना है, तो व्हाट इंफॉर्मेशन इज गिवन दैट इज कॉल्ड अ गिवन, जो इंफॉर्मेशन दी है दैट इज अ गिवन। सो व्हाट इज गिवन हियर? ओके, पॉइंट सी लाइज बिटवीन पॉइंट ए एंड बी, ए और बी के बीच में जो है पॉइंट सी है, ये कंडीशन दे रखी है, बराबर है, मीन्स ए सी इक्वल टू बी सी, बराबर है। टू प्रूव, अब क्या प्रूव करना है हम लोगों को, ए बी इक्वल टू, सॉरी ए सी इक्वल टू हाफ ऑफ ए बी, ए सी इक्वल टू हाफ ऑफ ए बी। ओके, ये हम जो है प्रूव करना है। ठीक है, तो यहां पे हम लोग लिखेंगे प्रूफ। अब जो गिवन में दिया वहीं से शुरुआत करेंगे, ए सी इक्वल टू बी सी दैट इज गिवन। अब प्रूफ करने के लिए कुछ तो पक्का करना पड़ेगा, तो एक काम करते हैं, हमको ए सी प्रूफ करने के लिए बोला है, दोनों साइड में हम लोग क्या करते हैं, ए सी प्लस ए सी दोनों साइड में ऐड कर देते हैं, इधर भी लेफ्ट में भी ए सी ऐड किया, राइट में भी ए सी ऐड किया, तो यहाँ पे ए सी प्लस ए सी क्या हो गया, टू ए सी, और BC प्लस AC, देखो यहां पे जरा BC प्लस AC क्या हो जाएगा, AB हो जाएगा। अब दोनों साइड को 2AC अपॉन 2 इक्वल टू AB अपॉन 2, दोनों साइड को डिवाइडेड बाय 2 कर दो, डिवाइडेड बाय 2 बोथ साइड। ओके, सो टू टू एज कैंसल, सो ए सी इक्वल टू वन अपॉन टू ए बी, या अपॉन करो या वन अपॉन टू करो, बात तो सेम ही है, कोई फर्क पड़ता नहीं है। ओके, एंड लाइक दैट वे वी विल सॉल्व एनी प्रूफ, अगर कोई प्रूफ के समय तो हमको इस तरह से सॉल्व करने हैं। जरा देख लो इसको एक बार, जस्ट सीट, ओके अब अगला सम देखते हैं। ओके, ये जो आपका सम था, ये आपका फोर्थ नंबर का सम है, 3.1 का, 3.1 फोर्थ नंबर का सम है ये। ओके, नाउ यू सी सिक्स नंबर का सम। ओके, लेट सी द सिक्स नंबर सम, और सॉरी 5.1 है, नॉट 5.1, सॉरी
He is saying that AC equal to BD. See, figure is given here. This is A, this is B, this is C, and this is D. And it is mentioned here, given. Directly I am writing given. Given is AC equal to BD. And you have to prove. आपको प्रूव क्या करना है? प्रूव ये करना है आपको ए बी इक्वल टू सी डी. ओके, सो फर्स्ट व्हाट वी विल डू, प्रूफ. अब प्रूफ में हम लोग पहले वही लिखते हैं जो हमको दिया है, क्योंकि जो इन्फॉर्मेशन दी है उसी में से तो कुछ निकालेंगे, बराबर. सो वी विल राइट हियर ए सी इक्वल टू बी डी. That is given. अब अगर AC यहां पे देखो तो AC इक्वल टू क्या होगा, AB प्लस BC. यहां पे मैं रीजन लिख देता हूं, बिकॉज AC इक्वल टू AB प्लस BC. एंड सिमिलरली BD इक्वल टू AB अगेन BC प्लस CD. बराबर है, बिकॉज BD इक्वल टू BC प्लस CD. अब यहां पर देखो लेफ्ट में भी BC है, राइट में भी BC है, सो इट विल बी कैंसल. सो व्हाट इज रिमेन नाउ, AB इक्वल टू CD. ये हमको प्रूफ करना था ना, AB इक्वल टू CD. हैंस प्रूफ, देखो दिस इज द वे टू सॉल्व इट. इस तरह से सॉल्व करते हैं. उसके बाद में सो इस तरह से आप लोगों को जो है इसके सारे के सारे सम्स आप लोगों ने करने हैं. सेवेंथ नंबर में जो है ये दे रहा है यहां पर, Why is axiom 5 in the list of axiom? Euclid axiom consider a universal truth. ये मैं ऑलरेडी आप लोगों को यूक्लिड का फिफ्थ एग्जाम्स में एक्सप्लेन कर चुका हूँ, आंसर उसी के अंदर है. यू फाइंड इट. ओके, नाउ लेट्स मूव फर्दर. अब आगे और कुछ दो तीन चीजों को जो हम लोग अंडरस्टैंड करते हैं, एंड दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट. आप लोगों को बचपन से, आपको क्या मुझे भी, हमारे टीचर्स लोगों ने हमको यही सिखाया था, the sum of the angle of the triangle is 180. मैंने तुम लोगों को शुरुआत में बोला था ज्योमेट्री या मैथमेटिक्स या कोई भी साइंटिफिक सब्जेक्ट, इफ यू विल टेक इट इज ऑलवेज इन अप्लाइड कंडीशन. वो हमेशा जो है अप्लाइड कंडीशन में होगा. ओके, इट इज ऑलवेज इन अप्लाइड कंडीशन चल रहे, वो हमेशा जो है अप्लाइड कंडीशन में होगा. जैसे कि आप लोगों ने जो है ये पढ़ा है कि सम ऑफ द एंगल ऑफ द ट्रायंगल इज 180 डिग्री, बराबर. इफ ट्रायंगल हैज ड्रॉन इन अ प्लेन, अगर किसी प्लेन में बच्चों ट्रायंगल ड्रॉ किया है, देन इट्स थ्री मेजर्स ऑफ एंगल इज 180 डिग्री. सपोज ये ए है, ये बी है और ये सी है, तो A प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 180 डिग्री. ओके, लेकिन अगर यही एंगल किसी सर्कल में ड्रॉ किया है, बराबर है, स्फीयर में, तो वो ऐसे ड्रॉ होगा, ऐसा ऐसा बनेगा, ऐसा. ओके, एंड इन दिस कंडीशन सपोज A B एंड C, so angle A plus angle B plus angle C that is greater than 180, तो उसका मेजर 180 से ज़्यादा होगा. and similarly if it is drawn in the inner part, किसी अंदर के पार्ट पर ड्रॉ किया है, तो ये ऐसा ड्रॉ होगा, ऐसा. okay, so angle A, तो ये A है, ये B है, ये C है, प्लस एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस
एंड विल सी इट इज लेसर देन 180. तो किस कंडीशन में है उसके ऊपर डिपेंड करता है. सो व्हेनेवर इट इज सेड दैट व्हेन एंगल हैज ड्रॉन इन अ प्लेन, जब एंगल को सॉरी ट्रायंगल को प्लेन में ड्रॉ करेंगे, व्हेन ट्रायंगल हैज ड्रॉन इन अ प्लेन देन द मेजर ऑफ ऑल थ्री एंगल्स विल बी 180 डिग्री. अदरवाइज नॉट इफ इट इज ड्रॉन इन द अनदर सरफेस लाइक स्फीयर. ओके, सो इन दैट कंडीशन इट मे बी ग्रेटर देन एंगल मेजर इज 180 डिग्री. इफ इट इज द हेमिस्फीयर इन इनर साइड, बाहर की तरफ होगा तो ग्रेटर देन, और इनर साइड होगा तो लेसर देन 180 डिग्री होगा. एक मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट इस चैप्टर का आप लोगों को दिमाग में रखना है, एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है बच्चों. ओके, और यहाँ पर जो है यूक्लिड से रिलेटेड जो मैक्सिमम कंसेप्ट बेसिक कंसेप्ट थे वो मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन करके दिए. ध्यान रखना पॉइंट को, ना लेंथ होता है ना ब्रेथ होता है ना हाइट होती है, लाइन को ओनली एंड ओनली लेंथ होती है, ब्रेथ नहीं होती है. ओके, कोई भी जो है ज्योमेट्रिकल फिगर जो आपको प्लेन में मिलेगा बराबर है, अगर वो जो है क्या कहते हैं फोर साइड से क्वाड्रेंट है तो वो उसका लेंथ और ब्रेथ होगा, और अगर थ्री साइड से थ्री डायमेंशनल है तो लेंथ ब्रेथ और हाइट होगी. तो अकॉर्डिंगली आपको जो है सम के पैटर्न को अंडरस्टैंड करके उसको हिसाब से उसको सॉर्ट आउट करना है. नेक्स्ट चैप्टर व्हेन वी विल गोइंग टू स्टार्ट इज रिलेटेड टू एंगल्स एंड लाइंस, तो वहाँ पर भी हम लोग बेसिक कंसेप्ट को अंडरस्टैंड करेंगे. पॉइंट से ही मैं शुरुआत कराऊंगा बराबर है, फिर हम लोग कोलिनियर एंड नॉन कोलिनियर सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे, और तब जाके आपको जो है ज्योमेट्री को लेकर और क्लैरिटी आएगी. ठीक है, तो यहाँ पर आप लोगों को मैक्सिमम जो आपके बेसिक कंसेप्ट थे दैट आई ट्राई टू क्लियर यू, पीडीएफ को ढंग से अंडरस्टैंड करना, क्योंकि उसमें इससे बहुत ज़्यादा कुछ इस बार लिखा हुआ है. इस बार आपको क्वेश्चंस नहीं आएंगे, इस बार आपको नोट्स आएंगे. सो दैट नोट्स टू कीप इन योर माइंड, आपके दिमाग में रखना एंड अकॉर्डिंगली यू डू द वर्क. ओके, सो दिस वन आई एम फिनिशिंग हियर, बाय, सी यू.